एमपी के ग्वालियर से औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र स्थित अपने गांव बबाइन एक मोटरसाइकिल से लौट रहे एक परिवार को ये सफर जिंदगी भर का गम दे गया। इटावा के बिठौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना पार करते समय डोंगी पलट जाने से एक 7 वर्षीय लड़की व एक 10 साल के लड़के की मौत हो गई। मूल रूप से औरैया के बबाइन गाँव निवासी पप्पन ग्वालियर में रहते हैं। लंबे लॉकडाउन के चलते वे रविवार को पत्नी व अपने दोनों बेटों तथा साले की 7 वर्षीय बेटी के साथ बाइक से जाने के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस से बचते हुए शॉर्टकट से गांव पहुंचने के लिए ग्वालियर से यह परिवार सुबह निकला और इटावा जिले के बिठौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी के तट पर पहुँचा। यहाँ पीपो का पुल पिछले दिनों आई आंधी में टूट गया था। पुल टूटा देख ये लोग पास ही औरैया के नगला महेवा गांव के सामने यमुना पार करने के लिए एक छोटी नाव डोंगी में सवार हो गए। डोंगी में ही बाइक भी रख ली। डोंगी को चलाने के लिए 2 लोग थे। बताते हैं कि वजन ज़्यादा होने से थोड़ा आगे बढ़ते ही डोंगी पलट गई और सभी लोग सामान सहित नदी में डूब गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर सभी को बाहर निकाला। तब तक पप्पन के साले की बेटी व उनके 10 वर्षीय बेटे आर्यन की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मौके पर पहुंची इटावा पुलिस ने सभी को इटावा अस्पताल पहुंचाया, जहां हसनपुर थाना खंदौली जनपद आगरा निवासी रिश्तेदार की बेटी जानू तथा पप्पन के बेटे आर्यन को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की खबर पप्पन के गांव पहुंची तो वहां पर मौजूद विध माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अस्पताल में पप्पन की पत्नी नीरज का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। हादसे में जहाँ नीरज के छोटे बेटे की जान चली गई, वहीं भाई की बेटी की मौत ने भी उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया है। भैया कई घंटा हो गए, तब तो एम्बुलेंस पहुंची थी भैया, बहुत लेट। क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? नाम में जा रहे थे भैया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ग्वालियर से बबाइन भैया। ग्वालियर में क्या काम करती थी? बढ़िया कंडक्टर ही कहते थे। नाव कैसे पलट गई? यमुना में भैया। नाव कैसे पलटी बहन जी? भैया उस पर वो ला तक बैठा लो, केले दे दो, मैं केले खाने उसने खाने में ध्यान दे दिया। ये राजपुर सीएचसी से रिफर होके यहाँ पर आए हैं, उनके बताए अनुसार ये नाव पलटने के कारण नदी में डूबने से इनकी मौत हुई है। ये मृत अवस्था में दोनों बच्चे लाए गए हैं, एक जानू एक लड़की है जिसकी उम्र 7 साल है और आर्यन लड़का है जिसकी उम्र 12 साल है।